नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जसोदा की रसोई ब्लॉग में। तो बने रहे वीडियो में। आज फिर आई हूँ नई रेसिपी के साथ। तो मैंने इतने दो चुकंदर ले लिए थे, तो आधे किलो चुकंदर है वजन में, तो मैं इनको किसूंगी अच्छे से। ये कद्दूकस कर दिए, तो आप गैस को करूंगी चालू। गैस चालू कर दिए मैंने, रख दिया तड़का पैन। तो जो घी डाल दिया मैंने एक चम्मच भर के, तो इसमें एक चम्मच भर के मैंने घी डाल दिया। अब जो कुछ काजू बादाम लिए मैंने, ये तो जो काजू बादाम लिए हैं, तो मैं इन्हें सेक सेक के रख लूंगी सारे, उसी में तेल गरम हो जाए इस तरीके से। तो मैंने चार पांच बादाम काट ली, तो ये भी डाल देती हूँ। पांच छह कन काजू काट लिए पतले पतले, ये भी डाल दूंगी। इसे अच्छी तरह से थोड़े से रोस्ट कर लूंगी इस तरीके से। कलर चेंज नहीं करना है, थोड़ा सा ऐसे ही। अब इसमें पांच छह किशमिश है, तो ये डाल देती हूँ किशमिश। और जो खरबूजा का बीज है, तो जिन्हें डालूंगी, किशमिश भी डाल देती हूँ इसी में। तो अब इसको अच्छे से निकाल लूंगी दोनों तीनों चीज इसी प्लेट में। और पंचने वाला था सारे मिक्स है इसमें पूरा, तो इसको भी सेक लेती हूँ। सारे ड्राई फ्रूट मैंने सेक लिए अच्छे से, काजू बादाम किशमिश छुआरे मुनक्का सब पूरे सेक के मैंने रख लिए। तो इसको अभी घी है, तो मैं अब डालूंगी चुकंदर किसा हुआ इसी में। अब अच्छे से इसको चलाते हुए सेकूंगी इस तरीके से, बहुत अच्छे से चलाना है इसको। चलाते हुए अच्छे से सेकना है, इसका पानी खत्म हो जाए थोड़ा। ये देखिए दोस्तों, ऐसे देना है बहुत बढ़िया से। हमारा रोस्ट हो गया, अब डालूंगी इसमें छोटे गिलास है इससे एक गिलास दूध। तो एक गिलास दूध मैंने डाल दिया। अब इसको पकाना है, पूरा दूध सूख जाएगा जब तक इसको पकाना है अच्छे से। चलाते हुए बहुत अच्छे से पकाना है इसको एक मिनट। तो दूध थोड़ा सा कम हो गया, ओट गया और चुड़ गए हमारे जमीन। तो मैं अब इसमें डालूंगी शक्कर, तो शक्कर मीठे के हिसाब से डालूंगी मैं, ज़्यादा मीठा नहीं करूंगी। तो इतना ही डालूंगी कि हिसाब से ही मीठा लगे, ज़्यादा मीठा ना लगे। तो मैंने डाल दी शक्कर और अच्छे से चलाती हूँ इसको। अब पकाना है और तो शक्कर घुर जाएगी पूरी था, तो बहुत अच्छे से अब इसमें डालेंगे। अब कुछ डालूंगी इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह, ये देखिए। अब इसमें जो ड्राई फ्रूट वगैरह बचे थे और हमने बचा के रखे थे, तो जो डाल देते हैं इस तरीके से। और तो ये देखिए दोस्तों, तो बहुत अच्छे से बन के तैयार है हमारा चुकंदर का हलवा। आप देख सकते हो कितना सुंदर बना। दोस्तों हमने बना लिया चुकंदर का हलवा, तो अच्छा बना और अच्छा रहता है सेहत के लिए, खाना जरूरी रहता है। इसी खाने से खून की कमी है कि पूरी हो जाती है। तो बहुत अच्छा बना, आप जरूर बना के खाइए। तो अभी तो चुकंदर अच्छे आ रहे हैं नए नए, बहुत सर्दियों में तो बहुत चलते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।